ये कहानी है एड्रियन नाम की एक छोटी सी और नादान लड़की की, जिसे अपने से दुगने उम्र निक नाम के एक आदमी से प्यार हो जाता है। फिर उस आदमी के प्यार में एड्रियन बहुत सारी गलत चीजें करती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे निक को हासिल करना चाहती है। इस फिल्म का नाम है द क्रश और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हम निक को देखते हैं। निक एक राइटर है और अभी अभी निक की एक नए शहर में नौकरी लगी है, इसीलिए निक बहुत ही ज्यादा खुश है। निक की उम्र है अभी 28 साल और निक इस नए शहर में अपने लिए बसेरा ढूंढ रहा है, इसीलिए वो बहुत सारे अपार्टमेंट के चक्कर लगाता है, लेकिन कोई भी जगह उसे पसंद नहीं आती है। इसीलिए वो अपने आखिरी जगह पे पहुंचता है, लेकिन वो जैसे उस जगह पे पहुंचता है, अचानक एड्रियन उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और निक ब्रेक दबा देता है और एड्रियन भी वहीं पे रुक जाती है। फिर एड्रियन अजीब तरीके से निक को देखती है और वहां से चली जाती है। फिर निक पहुंचता है एड्रियन के माँ के पास ताकि वो कमरे के लिए बात कर सके, और एड्रियन की माँ निक को अपना गेस्ट हाउस दिखाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि एड्रियन के पिता हमेशा ही बाहर रहते हैं, इसीलिए कभी कभी हमें यहाँ पे डर लगता है, लेकिन तुम रहोगे तो हम अपने आपको ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। और निक को भी ये जगह पसंद आती है, इसीलिए निक यहाँ पे रहने के लिए राजी हो जाता है। तभी निक को पियानो की आवाज सुनाई पड़ती है और निक पूछता है कि ये पियानो कौन बजा रहा है। तब एड्रियन की माँ बताती है कि ये पियानो मेरी बेटी बजा रही है और उसका नाम है एड्रियन। निक कहता है कि हाँ, मैं अभी अभी उस लड़की से बाहर मिला था। और सारी चीजें देखने के बाद निक जल्दी ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तभी हम एड्रियन को देखते हैं जो कि निक के गेस्ट हाउस में ताका झाकी कर रही है। तभी यहाँ पे एड्रियन की दोस्त आती है और एड्रियन उसे बताती है कि उसके घर वालों ने एक नया किरायेदार रखा है। एड्रियन की दोस्त का नाम है शेन, इसीलिए अब एड्रियन शेन को कहती है कि तुम जाओ और उस आदमी से जा करके बात करो ताकि हमें पता लगे कि वो कैसा आदमी है। इसीलिए शेन अब निक से बात करने लगती है और बात करने के बाद वो पहुंचती है एड्रियन के पास और वो एड्रियन को बताती है कि निक एक बहुत ही अच्छा आदमी है। फिर अगले दिन निक पहुंचता है अपने ऑफिस और यहाँ पे मीटिंग के दौरान निक की मुलाकात होती है एमी नाम की एक लड़की से, और यहाँ पे निक का बॉस निक की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे रिपोर्ट्स मिले हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर भी अच्छा काम करोगे। इसीलिए निक का बॉस अब निक को काम देता है और कहता है कि रॉबर्ट नाम के आदमी पे तुम्हें एक रिसर्च करनी है, जिसने 20 लाख डॉलर्स का घपला किया है। और इस बात को सुनते ही निक अपने काम पे लग जाता है। और जब रात में निक काम कर रहा होता है, तभी एड्रियन इसके गेस्ट हाउस में आती है और निक उसे अंदर आने के लिए कहता है। और फिर इन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है और यहाँ पे एड्रियन निक से पूछती है कि वो क्या लिख रहा है। तब निक बताता है रॉबर्ट के बारे में और कहता है कि क्या तुम रॉबर्ट के बारे में जानती हो। तब एड्रियन बताती है कि हाँ, सबको पता है कि उसने 20 लाख डॉलर्स का घपला किया है। और अब एड्रियन और निक रॉबर्ट के बारे में बात करने लगते हैं और एड्रियन रॉबर्ट के लव लाइफ के बारे में भी बात करती है। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद निक थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। तभी एड्रियन निक का सिगार छीन लेती है और वो उस सिगार को पीने की कोशिश करती है। तब निक उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र बस 14 साल है, तुम्हें सिगार नहीं पीना चाहिए। तब एड्रियन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ, मैं जल्दी ही 15 की होने वाली हूँ। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और जब एक दिन निक नहा रहा होता है, तभी एड्रियन उसके कमरे में आ जाती है और वो निक की एक तस्वीर को कहती है कि मैं इसे ले जाना चाहती हूँ। तब निक उसे मना करता है और कहता है कि मेरे पास ये तस्वीर बस एक ही पीस है। और इतना कहने के बाद निक बाथरूम से बाहर आता है। तब एड्रियन उसे एक चश्मा गिफ्ट करती है और बताती है कि जल्दी ही उसके घर में एक पार्टी होने वाली है, इसीलिए वो चाहती है कि निक भी उस पार्टी में आए। और इतना कहने के बाद एड्रियन यहाँ से चली जाती है और निक पहुंचता है अपने ऑफिस में। तभी निक की नजर पड़ती है अपने आर्टिकल पे और वो देखता है कि उसके आर्टिकल में किसी ने कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन उसने अपने आर्टिकल को अपने बॉस के पास भेज दिया है, इसीलिए निक पहुंचता है अपने बॉस के पास। तभी उसका बॉस निक को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है और तुमने बहुत ही अच्छी रिसर्च की है। और इतना कहने के बाद निक का बॉस उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए दे देता है, लेकिन निक इन बातों को नहीं समझ पाता और थोड़ा कंफ्यूज नजर आता है। लेकिन निक खुश है कि उसका बॉस उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसीलिए अब निक पहुंचता है घर और वो पहुंचता है एड्रियन की पार्टी में, जहां वो एड्रियन के पिता से भी मिलता है। तभी निक की नजर पड़ती है एड्रियन पे और वो देखता है कि एड्रियन शानदार पियानो बजा रही है और यहाँ पे सारे लोग एड्रियन के पियानो की तारीफ करते हैं। तभी निक भी पहुंचता है एड्रियन के पास और वो उससे बातें करने लगता है। तभी एड्रियन कहती है कि तुम्हारे बॉस को तुम्हारा आर्टिकल कैसा लगा। तब निक को समझ में आता है कि एड्रियन ने उसके आर्टिकल में बदलाव किए थे। और इन सारी बातों को सुनकर निक चौंक जाता है और कहता है कि आखिर तुम गेस्ट हाउस में घुसी कैसे। तब एड्रियन बताती है कि ज्यादा मुश्किल नहीं था। तब एड्रियन पूछती है कि आखिर तुम्हारे बॉस को आर्टिकल कैसा लगा। तब निक कहता है कि उन्हें पसंद आया, लेकिन निक ये भी कहता है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, तुम्हें किसी के भी आर्टिकल में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और किसी के भी घर में ऐसे नहीं घुसना चाहिए। तब एड्रियन निक को सॉरी कहती है और कहती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो। और निक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब एड्रियन खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब शुरू शुरू में निक मना करता है, लेकिन अंत में वो मान जाता है। तब एड्रियन निक को लेकर के एक लाइट हाउस में जाती है और यहाँ पे एक बार फिर एड्रियन निक से माफी मांगती है। तब निक एड्रियन को कहता है कि तुम एक बहुत ही शानदार राइटर हो और सिर्फ 14 साल की उम्र में ऐसा आर्टिकल लिखना बहुत बड़ी बात है। तब एड्रियन बताती है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता और सारे लोग उसे साइको समझते हैं, इसीलिए उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है शेन। और एड्रियन ये भी कहती है कि वो दो बार स्कूल चेंज कर चुकी है। और इन सारी बातों के दौरान एड्रियन बहुत ही उदास नजर आती है। तब निक उसे आश्वासन देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और इस बात को सुनकर एड्रियन खुश हो जाती है और वो निक को किस करने लगती है, लेकिन
पैनिक एड्रियन को रोक देता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद रात में एड्रियन बहुत ही खुश नजर आती है। तभी अगले दिन निक का बॉस निक से कहता है कि रॉबर्ट तुम्हारे आर्टिकल को पढ़ने के बाद बहुत खुश है और वो तुमसे मिलना चाहता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इतना कहने के बाद उसका बॉस उसे एक शैंपेन की बोतल देता है और यहाँ से चला जाता है। और निक के सारे कलीग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खास करके एमी, क्योंकि कहीं ना कहीं एमी निक को चाहने लगी है। इसीलिए यहाँ पे एमी की मुलाकात होती है एड्रियन से, क्योंकि एड्रियन भी इस बात को समझ गई है कि एमी कहीं ना कहीं निक को चाहती है। इसीलिए एड्रियन एमी से बहुत ही अलग तरीके से बात करती है और देखते ही देखते एमी औरतों के स्तन के बारे में बात करने लगती है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद एमी कंफ्यूज हो जाती है और वो पहुंचती है निक के पास और कहती है कि एड्रियन थोड़ी सी अजीब है। तब निक कहता है कि वो बस एक छोटी सी बच्ची है। तब एमी निक को कहती है कि मुझे लगता है कि एड्रियन कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती है। लेकिन निक इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसे अपने फोन पे एक वॉइसमेल मिलता है और ये वॉइसमेल एड्रियन का होता है। इसीलिए अब निक भी एड्रियन के बारे में सोचने लगता है। तभी थोड़े समय के बाद एड्रियन का दोबारा कॉल आता है निक के पास और वो एड्रियन को कहती है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं। और इस बात को सुनने के बाद निक और भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एड्रियन उसे ये सब क्यों बता रही है। तभी निक देखता है कि उसकी एक तस्वीर गायब है, जिस तस्वीर को एड्रियन ले जाना चाहती थी। इसीलिए वो एड्रियन से पूछता है कि क्या वो तस्वीर तुम्हारे पास है, और एड्रियन कहती है कि नहीं। लेकिन अब निक एड्रियन के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो पहुंचता है एड्रियन के घर पे और वो एड्रियन के कमरे में घुस जाता है। लेकिन उसे वहाँ पे एड्रियन नजर नहीं आती। तभी उसे एड्रियन के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है और वो देखता है कि एड्रियन अभी नहाने जा रही है। इसीलिए वो डर जाता है और वो पास के एक क्लोजेट में छुप जाता है। तभी वहाँ पे आकर के एड्रियन अपने कपड़े उतारने लगती है और निक इस चीज को देख करके घबरा जाता है और वो क्लोजेट में टकराने लगता है। तभी एड्रियन को पता लग जाता है कि निक यहीं पे है। इसीलिए एड्रियन जानबूझ करके अपने पूरे कपड़े उतार देती है, क्योंकि वो चाहती है कि निक उसे वैसा देखे। और अपने कपड़े उतारने के बाद वो निक की तरफ देख करके मुस्कुराने लगती है और ये सारी चीजें देख करके निक की हालत खराब होने लगती है। मगर अब एड्रियन यहाँ से चली जाती है और निक भी यहाँ से बाहर निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है, वो दरवाजे पे एड्रियन के पिता को पाता है और एड्रियन के पिता अब निक से पूछने लगते है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब निक कहता है कि वो एड्रियन को उसकी किताब लौटाने आया था। और इस बात को सुनने के बाद एड्रियन के पिता एक थैला उसके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि मेरी मदद करो। और इतना कहने के बाद वो निक को ऊपर लेकर के जाते हैं, जहाँ वो निक को एड्रियन का प्ले रूम दिखाते हैं, जहाँ पे वो बचपन में खेला करती थी। और उसके पिता कहते हैं कि वो इस रूम को फिर से एक बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे एड्रियन आ जाती है और निक यहाँ से घबरा करके चला जाता है। और अगले दिन निक पहुंचता है एड्रियन के पास और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। तब एड्रियन कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। तब निक कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह पसंद करता हूँ और तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बीच 14 साल की उम्र का फर्क है। इसीलिए हम सिर्फ दोस्त बन करके रह सकते हैं और उसके अलावा हमारे बीच और कुछ भी नहीं हो सकता। तब एड्रियन कहती है कि जब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, फिर उस रात तुमने मुझे किस क्यों किया था। तब निक कहता है कि वो बस एक गलती थी। तब एड्रियन कहती है तो क्या मुझे नंगा देखना भी एक गलती थी। और निक के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तब एड्रियन कहती है कि क्या तुम कभी भी किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ नहीं सोए हो। और अब इस बात को सुनने के बाद निक एक बार फिर से एड्रियन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इन सब बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एड्रियन इन बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी ही दुनिया में मग्न हो जाती है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और इसी बीच निक और एमी की नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर निक एमी को अपनी गाड़ी दिखाने लाता है, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी का कवर हटाता है, वो देखता है कि गाड़ी के ऊपर किसी ने गाली लिख दी है। और निक समझ जाता है कि एड्रियन ने किया है। इसीलिए निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पहुंचता है एड्रियन के माता पिता के पास और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद एड्रियन ने मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस लगाए हैं। लेकिन उसके माता पिता इस बात पर विश्वास नहीं करते। तभी यहाँ पे एड्रियन आ जाती है और एड्रियन के पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुमने गाड़ी पे स्क्रैच लगाया है, और वो कहती है कि नहीं। और इतना कहने के बाद एड्रियन यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब निक को एड्रियन पे शक होने लगता है और उसे लगता है कि एड्रियन की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए निक पहुंचता है एड्रियन के दोस्त शेन के पास और कहता है कि उसे उससे बात करनी है। लेकिन एड्रियन इस चीज को देख लेती है। इसीलिए जब एड्रियन और शेन हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, तब एड्रियन शेन की सीट को लूज कर देती है। इसीलिए जब इनकी हॉर्स राइडिंग शुरू होती है, तब शेन घोड़े से नीचे गिर जाती है और उसका हाथ टूट जाता है और शेन हॉस्पिटलाइज हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ निक शेन का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद जब शेन नहीं आती, तब निक यहाँ से जाने लगता है। तभी निक यहाँ पे एड्रियन को देखता है और एड्रियन निक से पूछती है कि क्या तुम शेन को पसंद करते हो, और निक कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तब एड्रियन कहती है कि शेन अभी हॉस्पिटल में है, उसका एक हाथ टूट चुका है। और इतना कहने के बाद एड्रियन यहाँ से चली जाती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। तभी एक दिन एड्रियन एमी को निक के कमरे में जाते हुए देखती है और वो उसे अजीब अजीब बातें करने लगती है। लेकिन एमी यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे निक भी आता है और एड्रियन निक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे इग्नोर कर देता है। फिर जब निक अपने ऑफिस पहुंचता है और वो अपना आर्टिकल सारे लोगों को दिखाने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि उसकी ड्राइव बिल्कुल खाली है और निक को लगता है कि शायद वो गलत ड्राइव लेकर के आ गया। इसीलिए वो घर पहुंचता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके कंप्यूटर से सारे फाइल्स को डिलीट कर दिया गया है। इसीलिए निक अब परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ एड्रियन ने किया है। इसीलिए वो एमी को कॉल करता है और कहता है कि तुम ऑफिस में अभी सब कुछ संभाल लो, मैं जल्दी से आर्टिकल दोबारा लिखूंगा और मैं फिर से सबमिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि
एड्रियन ने सारे फाइल्स को डिलीट कर दिया है। और एमी से बात करने के बाद निक जैसे ही नीचे देखता है, उसे नीचे एक फ्लॉपी ड्राइव नजर आती है। और वो जैसे ही फ्लॉपी ड्राइव को उठाता है, उसे कारपेट के नीचे एक दरवाजा नजर आता है। और वो देखता है कि यहाँ पे खुफिया कमरा है। और वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है, उसे अंदर अपनी तस्वीरें नजर आती है। और यहाँ पे बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती है। और निक इन सारी चीजों को देख करके समझ जाता है कि ये सब कुछ जरूर एड्रियन ने किया है। इसलिए अब निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस दरवाजे को परमानेंट बंद कर देता है। और उसके साथ साथ वो गेस्ट हाउस के तालों को भी चेंज कर देता है और अपने आर्टिकल को दोबारा लिखने में लग जाता है। और जल्दी वो अपने आर्टिकल को पूरा करता है और फिर से अपने आर्टिकल को सबमिट कर देता है। और उसके साथ साथ अब निक दूसरी जगह ढूंढने लगता है जहां वो रह सके, और जल्दी उसे एक जगह मिल भी जाती है। इसीलिए अब निक आकर के पैकिंग करने लगता है। लेकिन इस बीच एड्रियन बार बार निक को कॉल करती रहती है, लेकिन एड्रियन बार बार उसके कॉल्स को इग्नोर कर रहा होता है और उसके वॉइसमेल्स को भी। तभी यहाँ पे एमी आती है और वो कहती है कि वो बहुत खुश है कि निक इस जगह को छोड़ रहा है। इसीलिए अब ये दोनों खुशी में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एड्रियन को देखते हैं जो कि रो रही है क्योंकि निक उसका कॉल नहीं उठा रहा। लेकिन दूसरी तरफ निक और एमी इंटीमेट हो रहे होते हैं। और रात में जब वो दोनों एक जगह सो रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एड्रियन आती है और वो दोनों को सोता देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी अचानक निक को लगता है कि इस कमरे में कोई है, इसीलिए उठ करके बैठ जाता है और वो हर जगह देखने लगता है कि यहाँ पे कौन है। और थोड़ी दूर आने के बाद उसे एड्रियन नजर आती है जो कि नींबू काट रही होती है। और निक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि वो लेमोनेड बना रही है। और इस बात को सुनने के बाद निक यहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह जब एमी यहाँ से जा रही होती है, तभी एड्रियन उसके पास पहुँचती है और वो बातों ही बातों में एमी से पूछने की कोशिश करती है कि क्या वो कल रात निक के साथ सोई थी। और इस बात को सुनने के बाद एमी सारी बात को समझ जाती है और वो एड्रियन को समझाने की कोशिश करती है कि अभी इन सारी बातों के लिए तुम्हारी उम्र नहीं हुई, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारी भी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आएगा। लेकिन एड्रियन इन सारी बातों को नहीं सुनना चाहती और वो उल्टा एमी की बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तुमसे ज्यादा चालाक रहूंगी, ना कि तुम्हारी तरह बुद्धू रहूंगी। इसीलिए एमी इस बात को नहीं बढ़ाना चाहती और यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब एमी जैसे ही डार्क रूम के अंदर जाती है, एड्रियन बाहर से इस दरवाजे को बंद कर देती है और ताला लगा देती है। और उसके साथ साथ वो उस कमरे के अंदर मधुमक्खियां भी छोड़ देती है और वो मधुमक्खियां एमी को बुरी तरीके से घायल कर देती है। तभी हम निक को देखते हैं जिसे उसके बॉस का कॉल आता है और निक का बॉस उसे बताता है कि एमी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई है क्योंकि उसे बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा है। और निक अपने बॉस से बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पे एड्रियन आ जाती है और वो निक को कहती है कि कल उसका हॉर्स राइडिंग कंपटीशन है और वो चाहती है कि निक वहाँ पे आए। तभी निक बताता है कि एमी बुरी तरीके से घायल हो गई है। और इस बात को सुनने के बाद एड्रियन निक को आश्वासन देने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन निक अपना हाथ पीछे हटा लेता है क्योंकि उसे अब एड्रियन पे शक हो रहा है। तभी दूसरे दिन हम एड्रियन को देखते हैं और उसका हॉर्स राइडिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। लेकिन एड्रियन बार बार ऑडियंस के बीच देख रही होती है क्योंकि वो निक का इंतजार कर रही होती है। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी निक वहाँ पे नहीं आता, इसीलिए एड्रियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो निक के ऑफिस पहुँच जाती है। और ऑफिस पहुँचने के बाद वो निक को सारे लोगों के सामने एक थप्पड़ मार देती है जिससे निक को भी गुस्सा आता है। फिर वो एड्रियन को लेकर के बाहर चला जाता है और वो एड्रियन को कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन एड्रियन यहाँ पे निक की एक सुनने को तैयार नहीं और वो बार बार निक को किस करने की कोशिश करती है और बार बार निक उसे दूर हटाने लगता है और कहता है कि तुम दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। लेकिन एड्रियन अब चिल्लाने लगती है और वो फिर से निक को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे धक्का देकर के यहाँ से चला जाता है। फिर निक जैसे ही अपने नए वाले घर में जाता है, वहाँ की लैंडलेडी उसे बताती है कि मैं तुम्हें कमरा नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम एक ड्रग डीलर हो। और इस बात को सुनने के बाद निक वहाँ से आने लगता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ एड्रियन ने किया है। इसीलिए निक जैसे ही अपने घर वापस आता है, वो यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को पाता है और पुलिस वाले यहाँ पे निक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने छोटी सी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की है। इसीलिए पुलिस वाले इसे पकड़ करके ले जाने लगते हैं। तभी निक एड्रियन को देखता है जो कि रो रही होती है और एड्रियन के पिता अब निक को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले निक को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम एड्रियन को हॉस्पिटल में देखते हैं और एड्रियन यहाँ पे सबको नकली कहानियां सुना रही होती है और सारे लोग एड्रियन की कहानी पे विश्वास भी कर लेते हैं। तभी हम निक को देखते हैं जो पुलिस वालों के पास बैठा है और वो पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बता रहा है कि एड्रियन बहुत दिनों से उसका पीछा कर रही है और उसने जानबूझ के उसे फंसाया है, इसीलिए इन लोगों को एड्रियन को गिरफ्तार करना चाहिए। तब पुलिस वाले बताते हैं कि हमें तुम्हारे सीमेन मिले हैं उसके पास से। और इस बात को सुनने के बाद निक बिल्कुल शांत हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके सीमेन एड्रियन के शरीर पे कैसे मिले। तभी थोड़े समय के बाद निक का बॉस उसकी बेल करा देता है और निक को ये बात भी पता लगती है कि जो सीमेन एड्रियन के शरीर पे मिले हैं उससे निक का ब्लड मैच हो गया है। इसीलिए निक की ये कार्यवाही ऐसे ही चलती जाएगी और उसके साथ साथ वो एड्रियन के घर के आसपास कभी भी नहीं जा सकता। तब निक अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि एड्रियन ने ये सब कुछ साजिश की है और उसे शायद मेरे सीमेन मेरे कॉन्ट्रासेप्टिव से मिले हैं जो मैंने और एमी ने इंटीमेट होने के दौरान यूज किया था। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद शैन आती है निक के पास और कहती है कि मुझे पहले से पता है कि एड्रियन की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि पहले भी एड्रियन को एक टीचर से प्यार हो गया था और बाद में उस टीचर की मृत्यु हो गई जहर की वजह से। इसीलिए तुम्हें भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए और अगर तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी है तब तुम्हें एड्रियन की डायरी हासिल करनी
रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें वो अपनी सारी बातें लिखती है। और अगर तुम्हें वो डायरी मिल गई तब कहीं तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको। और इतना कहने के बाद शैन एड्रियन के घर में चली जाती है और निक अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी निक को एड्रियन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसे ऐसा लगता है कि शैन को कोई पीट रहा है। इसीलिए निक पहुंचता है एड्रियन के कमरे में और वो देखता है कि एड्रियन ने हर तरफ मोमबत्तियां जला रखी है और उसने निक की तस्वीर लगाई है और ऊपर लिखा है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन अभी निक शैन को ढूंढ रहा है, इसलिए वो एड्रियन से पूछता है कि शैन कहाँ है। लेकिन शैन का नाम सुनने के बाद एड्रियन और भी ज्यादा निराश हो जाती है। और यहाँ पे हम एड्रियन के हाथ में एक लाठी भी देखते हैं, इसीलिए निक को लगता है कि शायद एड्रियन ने शैन के साथ कुछ किया है। इसीलिए वो पूरे घर में शैन को ढूंढने लगता है और चिल्लाने लगता है शैन का नाम। तभी पीछे से एड्रियन आकर के निक पे हमला कर देती है और वो जल्दी ही निक को घायल कर देती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता ऐसे खत्म होगा। और वो फिर से निक को मारने ही वाली होती है, तभी वो अपने पिता की गाड़ी को अंदर आते हुए देखती है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है। और निक अब शैन को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहुंचता है प्ले रूम में, जहाँ वो देखता है कि एड्रियन ने शैन को बांध रखा है, इसीलिए वो शैन को छुड़ाने लगता है। तभी एक बार फिर से एड्रियन निक पे हमला करने लगती है और निक एड्रियन से वो डंडा छीनने लगता है। तभी यहाँ पे एड्रियन के पिता आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि निक शायद उसकी बेटी को मार रहा है, इसीलिए वो निक को मारने लगते हैं। लेकिन एड्रियन अब अपना होश खो चुकी है, इसीलिए वो अपने पिता को ही मारने लगती है और वो अपने पिता को बेहोश कर देती है। और निक एक बार फिर से शैन को छुड़ाने लगता है, लेकिन एड्रियन एक बार फिर से उस पे हमला करने आती है। लेकिन इस बार निक एड्रियन को एक जोर का पंच मारता है और एड्रियन बेहोश हो जाती है और निक शैन को छुड़ा लेता है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और जल्दी ही सबको पता लग जाता है कि सारी गलती एड्रियन की थी और उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए अब एड्रियन को एक पागल खाने में डाल दिया जाता है और उसका उपचार होने लगता है। और इसी पागल खाने में एड्रियन निक को चिट्ठी लिखती है जिसमें वो उससे माफी मांग रही है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और एड्रियन बार बार निक को चिट्ठी लिखती रहती है। और एक दिन एमी निक को बहुत सारी चिट्ठियां देती है और कहती है कि ये सारी की सारी चिट्ठियां तुम्हें एड्रियन ने लिखी हैं। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और बहुत लंबा समय बीत जाता है, लेकिन हम एड्रियन को अभी भी पागल खाने में देखते हैं। और यहाँ पे एड्रियन के कमरे में एक तस्वीर है और ये तस्वीर है निक और उसकी पत्नी की, और एड्रियन इस तस्वीर को देखती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।